आज की तकरीर के मेहमान खसूसी बहादुर दलेर रोशन ख्याल सियासी रहनुमा ऑनरेबल गवर्नर बलोचिस्तान रिस्पेक्टेड जनाब मलिक अब्दुल वली खान कादर को खड़े होकर इस्तकबाल करें और भरपूर तालियों में खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी, इतना इज्जत, इतना जोश और इतना मोहब्बत आप लोगों के इस हाल में, आप लोगों के इस मेहनत से जो मुझे मिली, मैं बेहसत गवर्नर बेहसत बलुचिस्तान का नुमाइंदा और रिश्ते में आपका भाई, मैं सब बलुचिस्तान की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से मशहूर। मेरे साथ बैठे हुए बेहद मेरे लिए बेहद मोहब्बत करने वाला, इज्जत देने वाला यहाँ सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मोहतरम हमारे काबिल एहतराम हसन जफर बख्तावली साहब को एक और यहाँ बैठे हुए हमारे साथ खालिद इकबाल साहब चेयरमैन वंडर ग्रुप के, यहाँ बैठे हुए जफर बख्तावली के सबका सदर ICCI इस्लामाबाद चैम्बर कॉमर्स के दिगर सीनियर खुदेदारान बिजनेस मैन कम्युनिटी के खवातीन व हज़रात, और यहाँ अगर दूसरे इदारों से बैठे हुए दोस्त हैं उन सब का तहे दिल से मशगूल। यहाँ बात शुरू हुई कि मुख्तलिफ दोस्तों को बुला रहे कि वो अपना यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से या सूबे के हवाले से अमूल के हवाले से उनका आने वाला दिनों में क्या सोचे और उस सोच के लिए उसका क्या तरीक़ेकार है। मैं समझता हूँ सब कुछ कि पाकिस्तान और उसका एक अखाई बलूचिस्तान और दूसरे जो प्रोवेंशल है उसमें बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए मौके हैं। मैं बिलखसूस बलूचिस्तान के लिए जो नुमाइंदगी कर रहा हूं उसी के लिए मैं बोलूंगा। बलूचिस्तान में आप लोग आए तकरीबन सुबह सिंध के लोग, सुबह पंजाब के लोग, के वीके के लोग, हत्ता यहाँ तक के दुबई के बहुत सारे लोग आए बलूचिस्तान में। साहिल बलूचिस्तान पे जिसका नाम ग्वादर है वहां पे उन्होंने अपने कारोबार के लिए इस मुल्क और इस मिट्टी के लिए और ख़ासकर बलूचिस्तान के लिए उन्होंने वहाँ पे काम करने के लिए बहुत सारे कोशिश की और उन्होंने वहाँ पे बकायदा अपने फैक्ट्री लगाने के लिए खरीदारी की। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्यों खामोशी के डरने में बंद हुआ। इनको हम सबने समझना है और खासकर आप तो उनसे इन चीजों में बहुत माहिर हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या का किस तरह सोच होना चाहिए और उस मुल्क उस खत्ते के लिए क्या क्या जरूरी है। और एक चीज
आप लोगों की मैंने बार बार कहा है और आज भी बोल रहा हूं, बेइज्जत एक पाकिस्तानी और बेइज्जत एक बलूचिस्तानी, ये बात बिल्कुल दिल से निकाल दें। जिस फोर्म पे आप कहेंगे या मोदी कहेंगे, एक नुमाइंदा जिस जगह भी आप हमसे अर्थ लेंगे, मैं अर्थ दूंगा कि हम न गदार है हम न एजेंट है। आप किस तरह मानते हो या मैं किस तरह मानूं, मैं किस तरह सोचूं कि मैं किसी मुल्क का एजेंट बन सकता हूं? हमारे इलाकों में जिस धरती पे बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, चाहे वो जिस मजहब से हो, चाहे जिस ग्रोथ से हो, चाहे वो जिस कौम से हो, चाहे वो जिस तरीके से हो, हमारे बलूचिस्तान में एजेंट और गद्दारी अब उसको कुफर समझते हैं। और फिर आप कहते हैं कभी कभार दोस्त हमें कहते हैं कि वहां पे कुछ इस तरह के हालात है जो दूसरे ममालिक उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जो भी पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, जिस मजहब के लोग हैं, जिस जुबान के लोग हैं, मेरे ख्याल से अगर वो किसी मुल्क का दलाली करे या मखबूरी करे, मैं तो उस पर नालक बेचता हूं। आप कभी भी दिल में ना रखे, हुआ ये कि दो दफा में आया हूं कि हम लोगों में फासले जो बड़े हैं, हम एक दूसरे से दूर रहे हैं, इसलिए हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए। मैं बेइज्जत गवर्नर कोशिश करता हूं कि मैं मरकज और दूसरों सूबों को बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं उसमें पुल का किरदार अदा करूं, मैं उसमें जितने भी है नजदीक हो सकते हैं, मेरे कोशिश और मेरा ईमान ये है कि मैं इन लोगों को नजदीक हूं। नजदीकी भी हमारी तरक्की है। बलूचिस्तान वो इलाका है, हम इतनों जो भी के पीके है, पंजाब है, सिंध है, तीन प्रांशल जो है, आप माने ना माने, हम एक एक चीज के लिए आपके लिए मोहताज है। हम कोशिश करते हैं अपने कि बलूचिस्तान भी लाहौर जैसा बने, बलूचिस्तान भी कराची जैसा बने। हम कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान का दारुखलाफा इस्लामाबाद जैसे बने। वो हमारी बीमारियां, वो हमारी ख्वांदगी, वो हमारी तरक्की, वो हमारा भूख रिप्लास, वो हमारे दूर दराज इलाके में रहने वाले लोग जिसने आज तक अपने वालिद को, अपने मां को, अपने बहन को न किसी तालीमी दरसगाह में लिया, न उसने किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, तो फिर किस तरीके से हम आपसे दूर रहेंगे? हम तो इलाज के लिए भी कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद आते हैं। हम तो तालीम हासिल करने के लिए हम तीन सुबहों का इंतखाब करते हैं। हम तो जब आते हैं यहां पे, इन सुबहों में जब हम आते हैं
आप क्या महसूस करते हैं, हम किस तरह महसूस करते हैं कि हम जा रहे हैं? जो हमारे दूसरे सुबह हैं, जो मिला सुबह वो जन्नत का फिजा, जन्नत का माहौल पेश कर रहे हैं, हम जिस इलाके से रह रहे हैं, हम जहां पे रह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे साइल भी है, वसाइल भी है। हम आपको दावत देते हैं कि हाँ, हमारे साइल पे हो, हमारे वसाइल पे हो। हम मालिक आपके साथ हद तंग करने के लिए हम तैयार है। जहां से भी आप कम्युनिटी ला सकते हो, जिस मुल्क से भी ला सकते हो, जब बलूचिस्तानी चीन को मौका दे सकते हैं, तो क्या एक पंजाबी एक सिंधी को मौका नहीं देगा? किस तरह मानेंगे?